हाय दोस्तों, मैं मेनुल गुड्डू गुड्डू पाकिस्तानी और आज आपको मैं दिखाने वाला हूं अपने मीरपुर खास का 2300 साल पुराना काहू जो दड़ो। आए चलते हैं। काहू जो दड़ो का मतलब है काहू का टीला, और ये टीला मीरपुर खास से खान रोड पर आधा किलोमीटर के फासले पर है। ये शहर आबाद था इसका तो पता है, लेकिन बर्बाद कैसे हुआ इसका आज तक पता नहीं चला। तो नाजरीन, मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां से 19वीं सदी के शुरू में एक बहुत बड़ा स्तूपा मिला, बुद्धिस्ट स्तूपा। ये वो तस्वीर है जो खुदाई के दौरान काहू जो दड़ो की ली गई थी जब यहाँ से स्तूपा मिला। अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये बहुत सारी ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं, और ये उसी स्तूपा की जो दीवार थी जो अब काफ़ी गिर चुकी है और ये काफ़ी जगह में फैला हुआ था, क्योंकि 19वीं सदी के शुरुआत में इसकी खुदाई हुई, क्योंकि उस वक्त ये जो रेलवे ट्रैक्स थे ये बिछ रहे थे, और उन रेलवे ट्रैक्स के बिछने के दौरान जो खुदाई हुई उसमें इसके थोड़े आसार मिले, और फिर गोरों ने इसकी आगे खुदाई की, और कहा जाता है कि सिर्फ उस वक्त इसकी 2.5% खुदाई की गई है। अब तक 100 में से यानी 2.5% खुदाई की गई है जिसमें से ये स्तूपा मिला है। आप देख रहे हैं कि अभी तक ये ईंटें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इसकी थोड़ी खुदाई की जाएगी तो ये पूरी दीवार निकल के वाजा आ जाएगी। तो उस वक्त कहा जाता है कि यहाँ से जो है वो काफ़ी कुछ मिला, कुछ गुलदान मिला जिसके अंदर शायद हीरे के टुकड़े लगे हुए थे, और काफ़ी टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली जिनको जिनमें से 7 सरवाइव कर पाई 11 में से, और उनको इंडिया भेज दिया गया। और अफसोस की बात है कि यार आज इसको कोई देखने आता ही नहीं है, ना ही कहीं आपको मीडिया में कोई इसकी वीडियो या कोई फ़ोटोज़ नज़र आएंगी कि लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे मीरपुर खास में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि यार काइंडली, ये मीरपुर खास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, हेरिटेज है, ये मीरपुर खास की हिस्ट्री है। आप खुद सोचें कि 2300-2400 साल पुरानी एक जगह हमारे मीरपुर खास में मौजूद है, और ये जब ये यहाँ ये लोग रहा करते होंगे आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, तो सोचे क्या आलम होगा, कितने यहाँ पर पूजा पाठ होती होगी और कितनी खास जगह रही होगी। और ये भी कहा जाता है कि जो बुद्ध मज़हब की जितनी भी किताबें हैं, खास किताबें, उनमें काहू जो दड़ो का बहुत ही खास जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब ये बहुत खास जगह रही होगी जो आज बिल्कुल लावारसों की तरह पड़ी है। और ये जो काहू जो दड़ो है हमारा मीरपुर खास का, ये 30 एकड़ में फैला हुआ था, 30 एकड़ में, लेकिन आज बस बहुत ही छोटा हिस्सा यहाँ रह गया है। मुझे नहीं पता कि यार बाकी जो ज़मीन है उसका क्या बना, लेकिन बस यही हालत है। तो आइए कुछ आपको और चीज़ें दिखाते हैं यहाँ से। लेकिन ईंट पड़ी तो है ना यार, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पूरा दीवार है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दीवार है। देखो, हाँ तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये देखो अच्छा, ये देखो, मतलब स्तूपा की देखो दीवार आज तक मौजूद है। ये दीवार है नहीं, लेकिन किसी ने कुछ, ये बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, आगे यहाँ तक होगी। हाँ देखो, आगे यहाँ तक। यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको चलने से ये फील होगा कि शायद नीचे ज़मीन दोज कोई चैम्बर बना हुआ है, इस तरह से आपके जो पाँव इनका इस तरह से साउंड बनता है, यहाँ पर आपको लगेगा नीचे शायद कोई रूम है नीचे। जैसे तो काहू जो दड़ो पे काफ़ी लोग यहाँ पर आए और प्रॉमिस करके गए कि इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको चारों तरफ से आप देख रहे हैं ये फेंस किया गया है, लेकिन अभी तो जो वायर है वो भी कोई चुरा कर ले गया, और बस ऐसे ही आप देख रहे हैं सीमेंट के जो पिलर ये खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ सिर्फ 2.5% इसकी खुदाई हुई है, और अब तक अगर आप यहाँ आएंगे अब तक आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी ईंटें, काफ़ी सारी दीवारें आपको ज़मीन दोज मिलेंगी। तो इसका मतलब अभी तक यहाँ काफ़ी कुछ है जो कि अगर हमारा डिपार्टमेंट जो अगर यहाँ पर आए और इस पर कुछ काम करें तो कुछ ना कुछ यहाँ काफ़ी कुछ मिल सकता है जो कि शायद हमारी मीरपुर खास की पहचान हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मरी और मैं काऊ के दड़े के साइड में ही रहता हूँ, और यहाँ पर जब भी बारिश होती है ना
तो यहाँ पर पत्थर मिलते हैं और ख़जाना मिलता है और सोने के मैंने टुकड़े मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। और ये काऊ का दड़ा बहुत पुराना है और यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ, खाली ये पिलर बना के गए, उसके अलावा और कुछ भी काम नहीं हुआ। गालियाँ भर के ले जाते थे, ये रास्ता सीधा था, मिट्टियाँ निकाल के ले जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा करा, मिट्टी उठाना बंद हो गया, फिर ये बनी थी वहाँ से उठाते थे, वहाँ पे चौकीदार आ गया ना, फिर वहाँ से भी मिट्टी बंद हो गई, उधर भी बहुत बड़ा खड्डा। अच्छा, मतलब यहाँ से मिट्टी भी चोरी की गई है? मिट्टी भी चोरी होती है, घर भी थे और ईंटें भी चोरी हुई होंगी। हाँ, ईंटें मना तो इतने बड़े बड़े टाइल थे, वो भी चोरी हुई थी। ये तो अभी छोटे, इनसे भी बड़े बड़े टाइल चोरी होते हैं। मना इधर से बहुत कुछ मिला भी है, सब कुछ मतलब चोरी भी होती है बहुत। तो मतलब वही वजह है ना, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया नहीं है तो चोरी हो रही है। कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट, नज़र भी नहीं रखती। चौकीदार भी है यहाँ का। अच्छा, चौकीदार भी है? है, पर पता नहीं है कौन है। चले, इस वीडियो देखकर हो सकता है उस चौकीदार को भी शर्म आ जाए कुछ। हाँ, तो ये था 2300 साल पुराना काहू जोदड़ो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।